छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में 8 लाख रुपए के इनामी नक्सली ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। 30 वर्षीय नक्सली रोशन उर्फ समैया सोरी ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सली सोरी पर 8 लाख रुपए का इनाम था। नक्सलियों ने पूना नरकोम अभियान, नई सुबह नई शुरुआत से प्रभावित होकर तथा माओवादी नेताओं के भेदभावपूर्ण व्यवहार से तंग आकर हिंसा का मार्ग छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया है। नक्सली सोरी 2008 में पुर्तलंका जीआरडी मिलिशिया का सदस्य बना था। उसने कई घातक नक्सली हमलों में शामिल होने का आरोप है। वह 2010 में तारमेटला तब दंतेवाड़ा जिले में हुए नरसंहार में भी शामिल था। इस हमले में 76 जवान मारे गए थे। वहीं 2017 में बोरकापाल हमले भी शामिल होने का उस पर आरोप है। इस हमले में सीआरपीएफ के 25 जवानों ने अपनी जिंदगी गंवा दी थी। तिर्रा को राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत जिन सुविधाओं का प्रावधान किया गया है वह सब उपलब्ध कराया जाएगा। अब तक 176 नक्सलियों ने जिले में पुना नारकोम अभियान के तहत हिंसा का मार्ग छोड़कर आत्मसमर्पण किया है। यह अभियान बीते साल अगस्त में शुरू किया गया था।